हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे तो हम लोग क्या करने हैं हम लोग कर रहे हैं मॉर्निंग के पांच बजे के पांच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिलेटेड है करंट अफेयर के अंदर तो जिन्होंने वीडियो को लाइक कर दिया है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने नहीं किया है प्लीज कृपया कर दीजिए साथ ही साथ शेयर कर दीजिए उन तमाम विद्यार्थियों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी स्टेट पीसीएस एसएससी बैंकिंग रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की जहां पे करंट अफेयर आता है तो आपका स्वागत है <coughs> तो देखिए आइए चलते हैं देखते हैं क्या है मॉर्निंग के पांच बजे के पांच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज है 16 मार्च 2022 ठीक है तो पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज दैट इज RIMC जिस जो रिसेंटली आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे वो इंडिया के किस स्टेट में लोकेटेड है तो इसका आंसर है उत्तराखंड ठीक है तो ये सब ये माना जाता है कि ये इंडिया का सबसे पुराना मिलिट्री स्कूल है ठीक है जिसका नाम क्या है राष्ट्र इंडियन मिलिट्री कॉलेज ठीक है इसका सवा वर्ष पूरा हो चुका है रिसेंटली ठीक है ये देहरादून दु, दु, उत्तराखंड के अंदर में है ठीक है ये मिलिट्री एक तरह का मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है ठीक है जिसका इनोग जिसको इनोग्रेट किया गया था कब मार्च 2000 सॉरी मार्च उन्नीस नाइनटीन सॉरी 1922 के अंदर में बाय प्राइम मिनिस्टर प्राइम बाई द प्रिंस ऑफ वेल्स तो उस समय जब प्रिंस वेल्स थे जब भारत गुलाम हुआ करता था आजादी से भी पहले की बात है तब इसको क्या -क्या तो राष्ट्रीय RIM, इंडियन मिलिट्री कॉलेज का जो प्राइमरी फीडर है कि इंस्टिटूर्स, इंस्टिटूर्स का पहला उद्देश्य क्या है कि एक तरह का यह क्या करता है नेशनल डिफेंस अकेडमी नेवल अकेडमी इंजमाला जो है इंजमाला में है उसके लिए बच्चों को तैयार करता है ठीक है अब कोई बच्चा डिफेंस में जाना चाहता है या कोई बच्चा नेवल में जाना चाहता है तो उसके लिए बच्चों को एक से क्या करता है तैयारी करवाता है ठीक है इट्स प्रोवाइड अ पब्लिक स्कूल एजुकेशन टू स्टूडेंट इन द एज ऑफ ग्रुप कितने से ग्यारह से लेकर अठारह बस तो अठारह ग्यारह से लेकर अठारवें वर्ष तक के बच्चों को यह क्या करता है एक तरह का स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करता है साथ ही साथ उन्हें मिलिट्री टाइप की भी ट्रेनिंग देता है जैसे आप सैनिक स्कूल वगैरह का नाम सुनते होंगे अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ सैनिक स्कूल भी एक तरह का मिलिट्री स्कूल है जहाँ पे बच्चों को टेंथ तक की सीबीएसई की शिक्षाएं तो दी दी जाती है साथ ही साथ उन्हें मिलिट्री यानी आर्मी की जरूरत तैयार भी किया जाता है अगर कोई बच्चा आर्मी या नेवल में कोई आगे जाना चाहे तो ये इसी तरह का ये सबसे पुराना मिलिट्री कॉलेज है ठीक है तो हाल ही में इसके ऊपर में ए

खेल कुंभ खेल कुंभ जो आप रिसेंटली न्यूज़ में भी सुन रहे होगे ये आपको बताना है कि ये एक स्पोर्ट्स इवेंट है ठीक है ये किस इंडियन स्टेट या यूनियन टेरेटरीज के अंदर में खेला जाएगा तो इसका आंसर है गुजरात तो अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इसका एलेवेंथ एडिशन जो उसका इनोग्रेशन कर दिया गया है क्या और इस खेल का नाम क्या है खेल महाकुंभ नाम है जो कहाँ पे मनाया जा रहा है अहमदाबाद गुजरात के अंदर में ये इवेंट 16 खेल से मिलके के साथ ही तेरह लाख पार्टिसिपेंट थे इसमें 2010 में उसके बाद इसमें 26 जनरल खेल 36 जनरल खेल जोड़ दिए गए साथ ही साथ 26 पारा स्पोर्ट्स भी जोड़ दिए गए 2019 के अंदर में लेकिन 2020 में से नहीं खेला गया क्योंकि आपको पता था उस समय कोविड की महामारी चले थी जिसके कारण उस समय नहीं खेला गया ये आप देख सकते हैं ये इसमें लिखा हुआ है गुजराती में तो आप नहीं समझ पाएगा ये क्या लिखा है खेल महाकुंभ ठीक है बताओ इसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी द्वारा ट्वीट किया गया है कि खेल महाकुम्स इको सिस्टम का रिवॉल्यन कर दिया गया है एक वीडियो भी जारी किया गया है वीडियो में नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपी राइट क्लेम आ जाएगा इसलिए आप ट्विटर पर जाके नरेंद्र मोदी जी के अकाउंट पे देख सकते हो ठीक है अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि विच यूनियन मिनिस्टर रिलीज किया है

क्यों किया है क्योंकि वर्तमान में माना जा रहा है कि हम लोग जो अस्सी प्रतिशत मेडिकल डिवाइस यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं हम लोग कंट्री में इम्पोर्ट करते हैं ठीक है ठीके? और इस पॉलिसी का उद्देश्य यही है कि वो सब हम क्या करें इंडिया के अंदर में बनाएं और वन अमंग द फिफ्थ ग्लोबल मैन्युफैक्चर हब क्रिएट करें साथ ही साथ क्या करें वैल्यू एंड टेक्नोलॉजी को मेडिकल डिवाइसेस का बढ़ाएं तो आपको पता है कि हम लोग 75 इयर्स ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं जहाँ पर हम सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं उसी को ध्यान में रखते हुए ये ड्राफ्ट पॉलिसी दी गई है क्योंकि आज हमें आपको ऐसा आप देखें जैसा कि कोविड आया कोविड में क्या हुआ कोविड में जो ऑक्सीजन की जो सब ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जिसको बोला जाता था उसको हम इम्पोर्ट करते थे बाहर से जिसके कारण क्या हुआ हम लोग को बहुत सारी दिक्कत झेलना पड़ा अगर यही चीज़ अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर होता तो वो काम जल्दी जल्दी हो पाता लेकिन इम्पोर्ट करने से क्या होता है एक तो हमारा इनकम भी दूसरे कंट्री को जाता है साथ ही साथ इनोवेशन और जो भी इसमें प्राइवेट सेक्टर आगे आ सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर आगे आ, आ सकती है वो कहीं कही ना कहीं पीछे दबके रह जाती है ड्यू टू तो इम्पोर्ट की वजह से और इससे फिजिकल डिफिसिट भी हमारा बढ़ते चला जाता है ठीक है तो इसके ऊपर मैं ने ट्वीट भी किया था कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने क्या किया है नेशनल पॉलिसी ऑफ मेडिकल डिवाइसेस को ड्राफ्ट किया है जो इनवाइट कर रही है फीडबैक एंड रिमार्क ऑफ द इंडस्ट्री एंड स्टेक टिल पच्चीस मार्च तो 25 मार्च के लिए एक तरह का ये ड्राफ्ट किया गया है पॉलिसी ठीक है चलिए द म्यूजियम ऑफ फ्यूचर हाल ही में जिसका आप न्यूज में चर्चा सुन रहे होंगे ये किस कंट्री में बना, बनाया गया है तो इसका आंसर है यूएई यूनाइटेड यूनाइटेड अरब ऑफ इमारात के अंदर में बनाया गया है ठीक है तो म्यूजियम ऑफ फ्यूचर जो दुबई में है बनाया गया है थीके? इसका नाम क्या है द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर ठीक है इसको रिसेंटली पब्लिक के लिए खोल दिया गया है ठीक है और इसका इनोग्रेशन किसके द्वारा किया गया है वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएई के द्वारा ठीक है ये म्यूजियम क्या क्लेम करता है कि आप क्या कर सकते हैं 2070 में सॉरी 2071 में जा सकते हैं दुबई के मतलब दुबई में 2000 वर्तमान में आप दुबई में अगर रहते हो समझो जैसे आप अभी प्रेजेंट में कितना में हो 2022 में हो तो आप अगर वहाँ जाओगे तो आप वहाँ से एक तरह से फ्यूचर को देख सकते हो एक तरह से ये समझो कि आप फ्यूचर में कैसा होगा दुनिया कैसा दिखेगा तो वो आप उसमें जाके देख सकते हो ये क्या है एक तरह का मतलब सात मंजिला मकान टाइप का है बनाया गया है और इसकी इमेज दिखा दूंगा आपको इसके बाद स्लाइड में ये पिलर लेस स्ट्रक्चर है देखिए मैं इसको ऐसे समझाता हूँ ये देखिए यहाँ पे कोई पिलर भी नहीं है और ये सात मंजिला है इससे आप फ्यूचर में जाने की एक्सपेक्टेंसी देख सकते हो तो इससे आप फ्यूचर में पहुंच जाओगे रहोगे आप प्रेजेंट में लेकिन ऐसा आपको अनुभव होगा कि आप फ्यूचर में इसके ऊपर जो अरेबिक भाषा में लिखा गया है इससे कैलीग्राफी बढ़ते हैं अगर कोई चीज गोद के बनाई जाती है तो उसे कैलीग्राफी कहा जाता है तो ये जो पूरी डिजाइनिंग आपको दिख रही है ये कैलीग्राफी है जो उसके ऊपर कुछ कुछ लिखा हुआ है वो भी किस भाषा में भाषा अरेबिक भाषा है ठीक है तो ये इसका मेन इसका डिजाइनिंग डिजाइन किया गया है लेबोरेटरी डिजाइन ठीक है और इसको प्रमोट करता है इनोवेशन अमंग द लीडिंग साइंटिस्ट के बीच में ठीक है अगला और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बात कर लेते हैं हलारी एक ब्रीड है जो किसका है डंकी का ये इंडिया के किस स्टेट में पाया जाता है तो इसका आंसर है गुजरात के अंदर में यह ऐसा न्यूज में क्यों चला यह न्यूज में इसलिए चला कि इसका जो पॉपुलेशन है ठीक है वो रिसेंटली बहुत तेजी से डिक्लाइन करते जा रहा है तो ये काफ़ी की बात है ऐसा दिखता है इसका नाम है लारी लंकी और आप देख लीजिए अगर आप किसी दोस्त के मैच खाता है तो उसको जरूर यह वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो भी समझ पाए कि उसकी फोटो मैंने आप शेयर की है ठीक है चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ठीक है इंस्टीट्यूशन सीरीज की वीडियो चल रही है ऊपर खत्म हो गई योजना सीरीज की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जाइए देखिए पीटी आने वाला है बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिए सेवेंटी फाइव डेज का प्लेस चल रहा है आप लोग के साथ मेरा ठीक है तो मैं और बहुत तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक चीज़ समझा दूँ ठीक है सब्सक्राइब कीजिए सपोर्ट कीजिए आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है यह आप ही का चैनल है तो आप इसे जितना ऊपर लेके जाएगा उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा तो क्या ताकि अब मैं नॉलेज शेयरिंग आपके साथ करता रहूँगा ठीक है तब तक के लिए अपना ध्यान रखें बड़ों को सम्मान दें छोटों को प्यार करें धन्यवाद जय हिंद जय भारत